हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू द चैनल टुडे वी आर बैक अगेन विद अनदर एडिटोरियल एनालिसिस एंड आई यूजुअली पिक एडिटोरियल एनालिसिस जिसके एक्सप्लेनेशंस आपको यूजुअली नहीं मिलेंगे और वो एडिटोरियल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा इंडिया में अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैड लोन्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है किसकी प्रॉब्लम बैड लोन्स अब ये बैड लोन्स होते क्या हैं पहली बात तो हमें यह समझना पड़ेगा कि बैड लोन्स आखिरकार होते क्या हैं दूसरा बैड लोन से इकोनॉमी पे कैसा प्रभाव पड़ता है तीसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अपने डेटा में बैड लोन्स के संदर्भ में क्या बताया किस तरीके से बैड लोन्स जो है उसकी प्रॉब्लम खत्म हो रही है कम हो रही है क्या फैक्टर्स हैं तो बैड लोन्स क्या फैक्टर्स हैं कि बैड लोन्स बढ़ रहे थे फॉर द राइजिंग फैक्टर्स एंड फैक्टर्स फॉर इट्स डिक्लाइन फैक्टर फॉर इट्स डिक्लाइन ठीक है प्लस क्या चीजें आप सजेस्ट कर सकते हैं वट ऑल आर द थिंग्स दैट यू कैन सजेस्ट किसको? को ऑल थिंग्स वी कैन सजेस्ट टू द बैंकिंग सेक्टर टू द बैंकिंग सेक्टर इन सभी मुद्दों पे हमें चर्चा करनी है सबसे पहले बात कर लेते हैं बैड लोन्स की पर जरा यहां पे एक बार एडिटोरियल को समझने की कोशिश करते हैं विग्नेश राधाकृष्णन जी का दो जनवरी को यह एडिटोरियल आया है और इस एडिटोरियल में बेसिकली ये कह रहे हैं कि ग्रॉस एक तो आपको जीएनपीए के बारे में बता रहा है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में बता रहा है और दूसरा आपको नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में बता रहा है यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यह बता रहे हैं कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आर बैड लोन्स विच द बोरोवर इज नॉट इन अ पोजिशन टू रीपे एट द मोमेंट यानी कि उधार लेने वाला जब समय पे लोन ना चुका पाए उस लोन को हम कहते हैं बैड लोन ठीक ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट कब बन जाता है जब ओवरड्यू रहे 90 डेज का तो यानी कि सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट तब होता है जब कोई बैड लोन परजिस्ट कर जाए परजिस्ट कर जाए फॉर हाउ मेनी डेज टी डेज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अब इसमें ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होगा वॉट इज जी एन पी ए ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज अ रेशियो इज अ रेशियो ऑफ वॉट सो वील फाइंड हेयर दट ग्रॉड परफॉर्मिंग ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट is is the proportion of ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट in ग्रॉस लोन्स एंड एडवांसिस यानी टोटल NPA, पी टोटल नॉन परफॉर्मिंग असेट अपॉन टोटल टोटल लोन्स यानी बैंक ने टोटल कितना अमाउंट लोन का दिया और उसमें कितना अमाउंट है जो कि बैंक रिकवर नहीं कर पा रही है उसको हम कहते हैं ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट अब बात करते हैं यहां पे दूसरा कह रहा है नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या होता है देखिए नेट मतलब होता है कि इसको ग्रॉस को ग्रॉस को किसी से ग्रॉस में कुछ माइनस किया गया तो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ये बैंक्स की एक्चुअल कंडीशन को बताते हैं बैंक्स की एक्चुअल कंडीशन को बताते हैं तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट में माइनस करते हैं अमाउंट दैट बैंक्स हैव टू कीप अवे फ्रॉम प्रॉफिट्स समझिए बात को मान लीजिए कि बैंक ने बेसिकली ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होगा बेसिकली ये रेशियो है ना तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो है अब इसमें माइनस कर देंगे हम बैंक्स जो कि अपने प्रॉफिट्स अलग करना पड़ता है तो जरा बैंक के फंक्शनिंग को जरा एक मिनट में समझते हैं कि बैंक कैसे काम करती है देखिए बैंक कोई भी हो चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो दोनों बैंक्स प्रॉफिट ओरिएंटेड या प्रॉफिट ड्रिवेन होती है बैंक का प्रॉफिट जितना प्लस जाएगा बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी बैंक की लोन देने की कैपेसिटी भी उतनी ही जाएगी बढ़ जाएगी बैंक का अगर प्रॉफिट लो जाएगा माइनस में जाएगा तो बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी जब कम होगी इसका डायरेक्ट प्रभाव क्या पड़ेगा अनएबल टू प्रोवाइड क्रेडिट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा जरूरतमंदों को पैसा नहीं दे पाएंगे जरूरतमंदों को पैसा नहीं दे पाने से लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा मार्केट में लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी दोनों कम जाएगी कि नहीं जाएगी ओवरऑल इकोनॉमी कैसी हो जाएगी बर्डनड हो जाएगी किस पे बर्डन ऑन पब्लिक सेक्टर एंड इट्स क्वाइट दी ऑपोजिट विथ रिगार्ड्स टू व्हेन द बैंक इज मेकिंग प्रॉफिट एंड लेंडिंग कैपेसिटी इज़ टू मच तो ये तो हो गया बैंक के प्रॉफिट से रिलेटेड बात ठीक है लेकिन अब बैंक ने मान लीजिए कि कोई लोन दिया और उसको अनेबल टू रिकवर बैंक इज अनेबल टू रिकवर द लोन ऑलरेडी पेड नाउ फ्रॉम वेयर दिस लोन मनी केम मनी का सोर्स कहां से आया इस पैसे का सोर्स कहां है इस पैसे का सोर्स क्या है आपका डिपॉजिट इज इंट इट आपने जो बैंक में डिपॉजिट पे किया था वो बैंक ने किसी और को लोन के प्रोवाइड में दे दिया आपके डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा सा कम होता है और लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो आपको जो इंटरेस्ट दे रहे हैं ऑब्वियसली उससे ज्यादा होगा तभी तो बैंक प्रॉफिट कमा पाएगी करेक्ट अब बैंक ने ये जो लोन दिया और जब बैंक रिकवर नहीं कर पा रही है तो आपका जो डिपॉजिट मनी है वो तो कोई लेके चला गया है तो बैंक क्या करती है अपने प्रॉफिट का शेयर प्रॉफिट का शेयर अलग कर देती है आप समझ रहे हो मेरी इंग्लिश को द प्रॉफिट इज सेपरेटेड अलग कर देती है बैंक अपने प्रॉफिट का शेयर किससे किससे अपने जो प्रॉफिट अर्न किया है उससे ताकि समय पे डिपॉजिटर को पैसा पे किया जा सके और ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया है ये जित, इसका जितना वैल्यू ज्यादा होगा उतना ही प्रॉफिट से पैसा हटाने का वैल्यू ज्यादा होगा और ये जितना ज्यादा होता चला जाएगा बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी भी उतनी ही कम होती चली जाएगी और सीधा असर उसका इकोनॉमी पे पड़ता है इकोनॉमी में देखने को मिलता है तो यहां पे यही बातें की जा रही हैं दीज आर थिंग्स आर आर बिंग डिस्कस्ड हियर एंड यहां पे आपको फैक्टर्स बता रहा है कि आरबीआई ने एक्सपेंसिव एसेट क्वालिटी जो है उसको 2015 में रिव्यू किया और तब से ट्रबल्स ज्यादा नहीं हुई हैं क्या कारण है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम होते हुए नजर आए जिसमें आपको पहला फैक्टर स्लिपेज रेशियो के बारे में बता रहा है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के ऊपर यह स्लिपेज रेशियो क्या है वट डू वी मीन बाय स्लिपेज रेशियो यानी कि आप अभी करंटली मौजूदा स्थिति में आपने कितने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एक साल में बनाए तो बैंक ने क्या किया इस साल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम बनाए यानी कि बैंक ने कुछ ऐसा लोन ही नहीं दिया जो कि रिकवर ना हो तो बैंक के मैक्सिमम लोन्स क्या थे रिकवर हो गए तो स्लिपेज रेशियो कम हुआ और वो दो परसेंट था सितंबर 2022 में और 2015 में लोवेस्ट 2015 के कंपैरिजन में लोएस्ट देखा गया दूसरा सेकेंड कंडीशन जो बैंक ने करी वो ये करा कि फ्रेश फ्रेशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रिड्यूस होने के साथ साथ बैड लोन्स को राइट ऑफ किया अपनी बुक्स से बैंक करती है नॉन परफॉर्मिंग को राइट ऑफ कर देती है ताकि उनकी बैलेंस शीट जो है वो बढ़िया लगे साथ में बैंक में, ने राइट ऑफ करने के साथ ही साथ कोशिश की कि वो कम लोन प्रोवाइड करे जिसकी वजह से ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 22.6% बढ़ गए और फिर लगातार दो साल में डिक्लाइन होने लगे डिक्लाइनिंग स्लिपेज और इंक्रीजिंग राइट ऑफ की वजह से बैड लोन्स जो हैं वो लोवेस्ट पॉइंट में है यानी बैंक बैंकिंग सेक्टर हमारा रिकवर कर रहा है ग्रो कर रहा है ठीक है अब एक चीज यहां पे इंटरेस्टिंग हमको समझ में आती है कि बैंक के पास एक प्रोविजन है जहां पर उनको अपने प्रॉफिट का वैल्यू एनपीए के कंटेक्सट में अलग करना पड़ता है इसके साथ साथ कोविड आया कोविड ने आरबीआई कोविड में आरबीआई ने मॉरेटोरियम दिया एक तरह की रिलीफ थी कि बैंक कुछ समय तक अपने लोन्स रिकवर ना करे तो बैंक को अपने ऑलरेडी कुछ प्रॉफिट जो है वो पहले से ही हटाने पड़े एक कंटिजेंसी इमरजेंसी मेजर के चलते अब क्योंकि बैंक्स अपने प्रॉफिट अलग करता है और आरबीआई ने मॉरेटोरियम दे दिया था इसकी वजह से इसकी वजह से क्या हुआ बैंक के नेट प्रॉफिट्स पे गहरा प्रभाव पड़ा लेकिन अब जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी बैड लोन्स की सिचुएशन कम हो रही है मॉरेटोरियम रिलैक्स कर दिया गया है प्रोविजंस डिक्लाइन कर दिए गए हैं कंटीजेंसी रिलैक्स हो चुकी है और अब नेट प्रॉफिट बोथ पब्लिक और प्राइवेट बैंक का बढ़ते हुए हमें इस पर्टिकुलर ग्राफ में आपको दिखाई देगा नजर आ रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का कंसिस्टेंट ग्रोथ है प्राइवेट बैंक्स में कहीं पर कहीं आपको डिप देखने को मिलेगा और अल्टीमेटली क्या है कि ये जो पूरा बैंक में जो लोन कैपेसिटी सेक्टर है उसमें देखिए लार्जेस्ट बोरोवर कौन है तो आपको दिखाई देगा इंडस्ट्रीज जो हैं वो फोर्टी परसेंट सिंगल स्टेक जो कि सबसे ज्यादा इनके पास है ये दो में चालीस क्रेडिट लोन इंडस्ट्रीज को गया और 20 प्रतिशत क्रेडिट रिटेल लोन की तरह गया एजुकेशन की तरह सिंगल पर्सन किसी को बिजनेस के लिए चाहिए एंड लाइक दैट पर्सनल लोन्स भी आ गए अब 2022 में क्या हुआ है रिटेल लोन्स ज्यादा हो गए हैं इंडस्ट्री क्रेडिट कम हो गया है इससे एक चीज हमें समझ में आई कि बैंकिंग सेक्टर अपना इंडस्ट्री पे डिपेंडेंसी लोन देने की डिपेंडेंसी उस पर कम आ रहा है रिटेल लोन्स पे ज्यादा आ रहा है ठीक है और कोशिश क्या किया क्योंकि सबसे ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट इंडस्ट्री सेक्टर में है तो बैंक ने अपने रिकवरी मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग कर दिया इंसॉल्वेंसी और बैंक कोड ने काफी मदद करी बैंक बहुत सारी कंपनीज के लोन रिकवर कराने में यानी कि बहुत सारी कंपनी से लोन रिकवर कराने में और जो फ्यूअर लोन हैं इंडस्ट्रीज को अब बैंक कम लोन प्रोवाइड कर रही है समझ रहे हैं आप बात को और बैड लोन्स रिटेल सेक्टर में भाई कंपनी फेल हो जाए तो कैसे पैसा दोगे कंपनी को बेचोगे कंपनी को बेचने के बाद पूरा अमाउंट थोड़ी रिकवर होगा लेकिन रिटेल सेक्टर अगर सिंगल इंडिविजुअल अगर बैंक का पैसा लेके भाग जाए तो क्रिमिनल लाइबिलिटी है ना भाई इंडिविजुअल की तो।, तो पूरा का पूरा पैसा वो वापस देगा तो इस यहां पे हम देख रहे हैं कि ये सारे फैक्टर्स हमारे यहां पे बैंकों की लगातार आने वाली दिक्कतों को ये कम कर रहे हैं और इसका रिफ्लेक्शन आपको आगे आने वाले इकोनॉमिक सर्वे इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिलेगा इसलिए अपनी नजर बना के रखिए दिस वॉज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टूडेज एडिटोरियल एनालिसिस आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट